हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये मेरा पर्यावरण का चौथा पार्ट वीडियो है। इसके पहले हमने तीन पार्ट वीडियो को कंप्लीट कर दिया है और ये मेरा चौथा पार्ट वीडियो है। प्रत्येक पार्ट में हम 20 क्वेश्चन लेते हैं। ये सभी वही क्वेश्चन है जो आपके पिछले वर्ष एग्जामों में पूछे गए हैं और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आप पर्यावरण में 90+ नंबर ला सकते हैं। ओके, ये पर्यावरण का एग्ज़ाम सभी छात्रों को देना होता है। आप बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 3 सालों में एक बार आपको पास करना होता है। अगर आप इन सभी सीरीजों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप पर्यावरण में अच्छे मार्क ला सकेंगे और एक बार में ही क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और अपनी तैयारी को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। इस वीडियो को सुपर टेट और टेट वाले भी देख सकते हैं, जो भी छात्र टीचर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी 30 नंबर का पर्यावरण ज़रूर आता है टेट और सुपर टेट में, तो उन छात्रों के लिए भी ये वीडियो है। ओके, तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर एक है, स्वच्छतम पानी की झील है सुपीरियर झील, बैकाल झील, मिस्कन झील, काला सागर झील। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सुपीरियर झील हो जाएगा। क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छतम पानी की झील की बात करें तो सुपीरियर झील है। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आ। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दो है, विश्व में कृषि कार्य सर्वाधिक होता है नदी घाटियों में, सागरी तटीय भागों में, गिरिपादों में, पठारी क्षेत्रों में। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नदी घाटियों में। विश्व में कृषि कार्य सबसे अधिक होता है कहाँ पे? नदी घाटियों में, यानी आ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर तीन हमारा, सर्वाधिक वनाच्छादित प्रदेश है। वनाच्छादित का मतलब होता है सबसे ज़्यादा वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं। ओके, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक वन वाला प्रदेश जो है हमारा मध्य प्रदेश है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम MP बोलते हैं। तो यानी सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। जो भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो को थोड़ा रोक करके वीडियो को शेयर करना अपने मित्रों के साथ, अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग चलाते हैं उस पर ज़रूर शेयर करना। ओके, क्योंकि हम बहुत मेहनत से बनाते हैं इस वीडियो को, तो शेयर करना आपका दायित्व होता है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चार हमारा, मरुस्थली वनस्पति जात से संबंधित नहीं है, कैटक्स, झाड़िया, देवदार, कटीले वृक्ष। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवदार, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरुस्थली वनस्पति जात से संबंधित नहीं है, देवदार। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नंबर पाँच है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ओके, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। यानी बा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर छः हमारा, पृथ्वी का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? रेडवुड, महोगनी, सागवान, बरगद। करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडवुड। ओके, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेडवुड जो है इसकी ऊंचाई 115 मीटर की है। कितना? 115 मीटर की। और पाया कहाँ जाता है? ये कैलिफोर्निया में पाया जाता है। तो सबसे ऊंचा वृक्ष है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे विस्तृत मरुस्थल है थार, सहारा, गोभी, कालाहारी। चार मरुस्थल के नाम दिए हैं, सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है, आपको याद रखना है। सहारा मरुस्थल जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ है, गहिर माथा समुद्री अभयारण्य प्रसिद्ध है शार्क के लिए, रिडले टर्टल के लिए, ऑक्टोपस के लिए, सील के लिए। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा रिडले टर्टल के लिए। अच्छा, रिडले टर्टल होता क्या है? एक कछुए का नाम है। क्या? कछुए का नाम है। ओके, शार्क एक मछली होती है जो करंट मारती है। शायद यही शार्क करंट मारती है। करंट मारने वाली मछली का क्या नाम है बताइएगा आप। ओके, ऑक्टोपस क्या है? ये भी एक जिसके 8 पैर होते हैं, आपने पढ़ा होगा ऑक्टोपस, उसके 8 पैर होते हैं। ओके, ये सील भी एक क्या है? मछली।
तो जो गहीर माथा समुद्री अभयारण्य है ये प्रसिद्ध है रिडले टार्टल के लिए, यानी कछुआ के लिए। ओके, तो बा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 हमारा, नीली क्रांति का संबंध है अंतरिक्ष अनुसंधान से, नील की खेती से, मत्स्योत्पादन से, हाथियों की रक्षा से। करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन, यानी मछली उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। याद कैसे रखेंगे? नीले का इंग्लिश क्या होता है? ब्लू। ब्लू व्हेल आपने सुना है, जिसका नाम है वो एक मछली की प्रजाति है। ब्लू ब्लू व्हेल सबसे बड़ी मछली, तो ब्लू से आप याद रख सकते हैं कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 हमारा, फूलों के उत्पादन में अग्रणी प्रांत है गुजरात, सिक्किम, केरल, बिहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम, यानी बा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि ऑप्शन में उत्तराखंड होता तो उत्तराखंड आपको लगाना था। ओके, अगर उत्तराखंड नहीं है तो सिक्किम बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी बा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, झूम खेती प्रायः की जाती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि झूम एक प्रकार की खेती होती है। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि झूम क्या है। झूम ऑप्शन दिया होगा नृत्य, खेल, खेती। तो झूम ज़्यादातर छात्र लगा देते हैं नृत्य है, ओके, नाच। लेकिन नहीं, झूम एक प्रकार की खेती है जो आदिवासियों द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? आदिवासियों द्वारा। तो झूम खेती का प्रकार, झूम खेती प्रायः की जाती है किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, पंचायतों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा और दलितों के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिवासियों के द्वारा, यानी सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आदिवासियों के द्वारा। किसके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 हमारा, मैग्रोव क्षेत्र श्रीवर्धन स्थित है महाराष्ट्र में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 हमारा, रेड डाटा बुक के पीले पृष्ठों में अंकित है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, रेड डाटा बुक के अंतर्गत जो लुप्त हो जाती हैं प्रजातियाँ, जैसे पेड़, कौवा, कोई भी जो प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, संसार में नहीं रहती, तो उसको रेड डाटा बुक के अंतर्गत रख दिया जाता है। और इसको जो रखा जाता है, ये रेड डाटा बुक जो होता है ये सफ़ेद पृष्ठों में होता है, ये आपको याद रखना है। और पूछा जा रहा है रेड डाटा बुक के पीले पृष्ठों में अंकित हैं लुप्त प्रजातियाँ, तेजी से कम हो रही प्रजातियाँ, दुर्लभ जातियाँ और सामान्य जातियाँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? दुर्लभ प्रजातियाँ, यानी दुर्लभ जातियाँ जो होती हैं उनको पीले पृष्ठों में रखा जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग प्रत्येक वर्ष ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है रूस, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सर्वाधिक गेहूँ पैदा करने वाला देश कौन सा है? भारत। तो करेक्ट आंसर बा आपको बिल्कुल हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 हमारा, बायोगैस उत्पादन में निम्नलिखित प्रयुक्त होता है नील हरित शैवाल, हरित शैवाल, आर्किबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एवं फफूंदी। इसको फफूंदी ये है। ओके, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। ओके, बायोगैस जो होता है, जो कचरे से गैस बनाया जाता है, गोबर गैस, बायोगैस। ओके, तो वही होता है जो पेड़ पौधे जो दब जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसी से बायोगैस उत्पन्न होता है। तो आप समझ सकते हैं नील हरित शैवाल आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, 16 नंबर है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि दिवस से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, जो भी पर्यावरण से रिलेटेड है, प्रकृति से संबंधित है, तो उसको आप ज़रूर याद कर लेना। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4, 16 जून को, 1 दिसंबर को, 16 फरवरी को, 11 जुलाई को। 11 जुलाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इसको याद करने का हम एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं आपको। अगर आपने इस तरीके को सुन लिया तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, देखिए, जब भी कहीं आ जाए विश्व जनसंख्या दिवस, या कोई पूछ ले या कहीं पेपर में आ जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई कैसे याद रखेंगे? देखिए, एक एक जुड़ेगा, एक एक जुड़ेगा तभी तो जनसंख्या बढ़ेगा। ध्यान देना,
एक एक जुड़ेगा तभी तो जनसंख्या बढ़ेगा। तो एक एक से मतलब क्या हो गया, 11, और जुड़ने से मतलब हो गया जुलाई। ओके, समझ में आ गया होगा। एक एक जुड़ेगा तभी तो जनसंख्या बढ़ेगा, और एक एक से मतलब हो गया 11, और जुड़ने से मतलब क्या हो गया जुलाई। तो हमेशा याद हो जाएगा 11 जुलाई को। ओके, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है सत्रह। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वन पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कभी कभी ये ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज़्यादा वन आच्छादित वाला प्रदेश, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था। ये भी ऐसे भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक प्रतिशत वन कहाँ पाए जाते हैं, आसाम में, मध्य प्रदेश में, अंडमान में, राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, एमपी में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है ये बताना है। देखिए, कहीं कहीं आप बुक्स में पुराने आंकड़े दिए होंगे, तो पुराने आंकड़े को नहीं लेना है, नए आंकड़े लीजिए, गूगल पे सर्च करिए। ओके, पुराने आंकड़ों के अनुसार 19% 16% दिया होगा, लेकिन जो नया वर्तमान समय में है भारत में वन आच्छादित क्षेत्र, वो 21% है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 24, 21, 32, 26। जो राइट आंसर हो जाएगा 21.6। ओके, पॉइंट के आगे कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन 21% आपको याद रखना है प्रेजेंट टाइम में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21%। ओके, भारत में वन आच्छादित क्षेत्र कितने प्रतिशत है, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे इजी क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय नदी है, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से भी जानी जाती है, गंगा नदी। ओके, तो सब भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से पूछा जाए तो वो भी क्या है, गंगा नदी। चौड़ी की पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र है, भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 है, सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पादप है, यह अपने यहाँ बबूल का पेड़ कहा जाता है। ओके, जिसमें कांटे होते हैं, तो सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला जो है वो पीपल है। ओके, गांव में कहते हैं पीपल में ब्रह्मदेव रहते हैं, पीपल के नीचे नहीं सोना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, अगर वीडियो को लाइक करना अगर भूल गए हैं आप, तो वीडियो को लाइक करके जाना। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं आप सभी के लिए, बिल्कुल फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।